इंदौरी भैया की सबको राम राम। आज हमारे पास जो ईयरबड्स आ रखे हैं वो Redmi की तरफ से, जिनका नाम है बड्स 4 एक्टिव। अभी डिवाइस कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा स्टैंड करता है, रीज़न क्या, क्योंकि अगर आप इस प्राइसिंग पे देखेंगे जो 1100-1200 रुपये की प्राइसिंग है, यहाँ पर नॉइस और बोट काफ़ी डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट में। वहीं पर अपना Redmi की ईयरबड लेकर आया है, कितना इंटरेस्टिंग है और कैसा ये डिवाइस है वो तो आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मैं। बट उससे पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कंटेंट भाई का पसंद आ जाए तो लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी जो मुलाकात और जो प्यार है आगे भी इस तरीके से बना रहा है। अब अगर बॉक्स पैकेज को लेके बात करूं तो आपको नॉर्मल ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी टॉप पे, साइड में कुछ की हाइलाइट्स दे रखे। कंटेंट पैकेज की बात करें तो आपको देखने को मिल जाएगा आपका मेन डिवाइस, उसके अलावा मिल जाएगा आपको एक मैनुअल जिसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी और एक्स्ट्रा सिलिकॉन के एयर टिप्स वगैरह आपको जो है इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे। सरप्राइजिंगली यहाँ पर चार्जिंग केबल प्रोवाइड नहीं कर रखी है, कहीं ना कहीं पैसे बचाने की कोशिश, आजकल सब टाइप सी वाले हो गए डिवाइसेस, तो यहाँ पर उन्होंने चार्जिंग केबल को मिस आउट कर दिया। अब रही बात अगर डिवाइस को लेकर, तो डिवाइस का जो डिजाइन है ऐसा कोई यूनिक नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, नॉर्मल डिजाइन आपको देखने को मिलता है। बट यहाँ पर जो अगर आप एक लुक एंड फील की बात करते हैं हम लोग, तो मुझे पर्सनली सही लगते हैं इस तरह के डिवाइस, क्योंकि कैरी करने में इजी होता है, पॉकेटेबल है, ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है, और प्लस इन्होंने जो मैट फिनिश यहाँ पे ऐड कर रखा है वो कहीं ना कहीं बेहतर हो जाता है। रीज़न ये होता है कि जब मैट फिनिश को हम लोग कैरी कर रहे होते हैं या हम लोग उठा रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट्स के जो निशान है वो दिखते नहीं है। अब ग्लॉसी वाला अगर आप यूज़ करोगे ना तो फिंगरप्रिंट के निशान भी दिखते हैं, प्लस उसमें जो स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हैं तो वो बहुत प्रोमिनेंट नजर आते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। अब Redmi की हल्की सी ब्रांडिंग इन्होंने कर रखी है, बॉटम में आपको टाइप सी का पोर्ट और एक बैटरी इंडिकेशन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे केस आप ओपन करोगे ना तो हल्का सा बैटरी इंडिकेशन आपको देखने को मिलेगा, तो कि चार्जिंग के टाइम पे और नॉर्मल आपको बताने के लिए कि कितना आपका डिवाइस चार्ज है। अब वहीं अगर मैं हिंजेस को लेके बात करूं तो हिंजेस ऐसा प्रॉपर दे रखी है और मैग्नेट्स भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं कि मैग्नेट्स इन्होंने लूज यूज कर रखे, तो बिल्ट आपको डेफिनेटली अच्छी मिल जाएगी, फॉर द प्राइसिंग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब रही बात जो मेजर परफॉर्मेंस की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने 12mm के ड्राइवर्स यूज कर रखे और 12mm के ड्राइवर्स की जब मैं परफॉर्मेंस को लेकर बात करूँ तो मुझे परफॉर्मेंस डिसेंट लगी है। सबसे पहली चीज़ जो बेस को लेकर इन्होंने बात करी, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर मेंशन कर रखा है कि इन्होंने यहाँ पर जो है 12mm के बेस प्रो ड्राइवर्स यूज कर रखे। अब ड्राइवर्स का इम्पैक्ट उतना मुझे बेस में नज़र नहीं आया पर्सनली, अगर मैं बताऊँ, अगर आप बेस को सुन रहे हैं तो नॉमिनल बेस है, जो कि मोर देन आप जो इस प्राइसिंग में आने वाले ईयरबड्स है वो आपको कुछ इस तरह के ही बेस प्रोवाइड कर देते हैं। डेफिनेटली मोर देन एवरेज परफॉर्मेंस है बेस की, ऐसा नहीं कि बहुत ही कम है और आपको फील नहीं आएगा। बट अगर मैं ट्रेबल्स की बात करूँ तो ओवरऑल में वो मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छे लगे, क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, डिटेलिंग अच्छी मिल जाती है और हाई लोज और मिड्स को काफ़ी प्रॉपर मेंटेन कर रखा है, तो आपका ऐसा यहाँ पे जो डिटेलिंग्स है वो मिस आउट बिल्कुल नहीं होने वाले। अगर आप मूवी देख रहे हैं या म्यूजिक इन्जॉय कर रहे हैं तो वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज ऐसा नहीं कर रखे, और प्लस लाउडनेस ऑप्टिमाइजेशन है वो भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि फुल वॉल्यूम आप कर रहे हो तो कान में डिस्टॉर्शन या फिर इरिटेशन हो रहा है, तो वो चीज भी आपके साथ एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं होगी। तो इन ओवरऑल वे अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात करूं तो बेस थोड़ा सा और एनहांस हो सकता था, बाकी इन ओवरऑल टर्म्स काफी अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पे साउंड की मिल जाएगी, नो डाउट। अब रही बात कनेक्टिविटी को लेकर, तो ये ब्लूटूथ 5.3 यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी। और यहाँ पर ना एक चीज मैटर कर जाती है, आपके फोन का ब्लूटूथ, अगर आपके फोन में ब्लूटूथ अच्छा है तो फिर आपको 10-15 मिनट की रेंज में दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपके फोन का ब्लूटूथ पुराना है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो ब्रेक साउंड ब्रेकेज के हम लोग जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आपको हो सकता है। अब वही अगर मैं बात करूं इसमें बैटरी परफॉर्मेंस को लेके, तो बैटरी परफॉर्मेंस आपको अप टू 30 आवर्स की मिलेगी विद चार्जिंग केस। इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं तो आप 5-6 आवर्स तक एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब ये कहीं ना कहीं वेरिएशन डेफिनेटली आता है कितनी वॉल्यूम पे आप यूज़ कर रहे हो, अगर 60-80% के वॉल्यूम पर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। वही डिवाइस IPX4 रेटिंग के साथ भी आते हैं, जो कि स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप वर्कआउट के टाइम पे या फिर जॉगिंग वगैरह करने जा रहे हो तो पहन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंक वगैरह करने की कोशिश मत करना, पानी में गिरेंगे तो शायद खराब होने के चांसेस पूरे पूरे बन सकते हैं। वेल आजकल मैंने एक चीज नोटिस करी कि डिवाइसेज में इंस्टा चार्ज वाली टेक्नोलॉजी काफी देखने को मिलती है, और यहाँ पर भी उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है 10 मिनट के लिए अगर आप इसको चार्जिंग पर लगाते हैं तो 90 मिनट्स तक आप जो है यहाँ पे म्यूजिक को एंजॉय कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो इस चीज़ से थोड़ी सी अपग्रेड हो जाती है, अगर आपको एक फास्ट चार्जिंग वाली टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। अब इन ओवरऑल वे में यहाँ पर अगर आप डिवाइस को लेकर कॉलिंग में बात करेंगे तो कॉलिंग की परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पर डिसेंट लगी, और ENC माइक्रोफोन आजकल यूज़ करने लगे हैं तो एनवायरमेंट नॉइस कैंसलेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस होगा, और मैंने प्रॉपर टेस्ट भी कर रखा है तो एक बार आप भी उस पर नजर डालो। तो गाइस अभी जो आप सुन रहे हैं बारी Redmi Buds Active से, और जो तरह की परफॉर्मेंस देंगे जब भी आप इनको यूज करेंगे कॉलिंग या फिर गेमिंग के टाइम पे दोस्तों से बात करने के। अब आजकल देखो ऐसा है कि हम लोग ईयरबड्स खरीदे हैं, डिवाइस खरीदे हैं, तो गेमिंग भी कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव है जिसको हमको कवर करना होता है। अब गेमिंग के लिए मैं अगर बात करूँ इन ईयरबड्स को, तो हाँ परफॉर्मेंस आपको अच्छे दे देते हैं, और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है iOS डिवाइसेस में और Android डिवाइसेस में परफॉर्मेंस का फ़र्क आ जाता है। अगर आप iOS डिवाइसेस में किसी भी ब्लूटूथ को कनेक्ट करेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि उसमें लेटेंसी वगैरह का कोई इशू है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बहुत अच्छे से वर्क करता है।
यार एप्पल इज एप्पल। वहां पे अगर मैं बात करूँ एंड्रॉइड को लेके, तो एंड्रॉइड डिवाइसेस में फिर आपको चीजें नोटिस आएगी, वहां पे आपको लगेगा कि यार ये पर्टिकुलर डिवाइस उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो वहां मुझे लगता है कि वहां आपको लो लेटेंसी वाले डिवाइसेस कहीं ना कहीं प्रेफरेबल रहते हैं। बट कहीं ना कहीं मैं अगर एप्पल की बात करूँ तो आपको परफॉर्मेंस काफी सिमिलर मिलती है, और मेरे पास एप्पल डिवाइसेस हैं, मैंने इसको खेल के देखा, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और आप कंफर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर टेस्ट भी कर रखा है इसकी लेटेंसी का, तो एक बार अपना डाल सकते हो। बात करके देखो डिवाइसेस में ना टच तो काफ़ी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे अगर आप ईयरबड्स को देखोगे तो आपको टच बहुत प्रॉपर देखने को मिलता है। यहाँ पर लाइटिंग भी दे रखी है इन्होंने हल्की सी, ताकि आपको आइडेंटिफाई भी हो सके कि ईयरबड्स आपके कनेक्टेड हैं या नहीं है। और वहीं पर आप उसको टच वगैरह कर रहे हैं तो आपको प्ले पॉज, यहाँ पे ट्रैक्स वगैरह चेंज करना है, असिस्टेंट वगैरह वेक करना है, तो सारी फंक्शनलिटी जो है आपको टच में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब मेजर जो सवाल देखो उठ के आता है वो है प्राइसिंग। प्राइसिंग जो है वो काफ़ी डिसेंट रखी है, 1200 रुपये के प्राइसिंग में आपको ये मिल जाएंगे। कभी कभी कूपन और डिस्काउंट्स में थोड़ा बहुत आपको ऑफर भी मिल जाते हैं, बट इस प्राइसिंग पे देखोगे तो कॉम्पिटिशन में जैसे बोट है, नॉइज़ है, इनके काफ़ी सारे ईयरबड्स आते हैं, और नॉइज़ के भी रिसेंटली ईयरबड्स आ रहे हैं जिनका मैं वर, अब अगर उसको भी मैं अगर कंपेयर करूँ इससे, तो कहीं ना कहीं सिमिलर टू सिमिलर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाती है। तो कंपेरेटिवली नॉइज़ और बोट के हिसाब से ये कहाँ बेहतर स्टैंड करता है, तो यहाँ पे दो चीज़ें जो है पर्सनली आपको बेहतर मिल जाएगी। पहला तो ऐप कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। अब ऐप कनेक्टिविटी से आपको थोड़ा सा ये कि आपको बैटरी इन्फॉर्मेशन वगैरह देखने को मिल जाती है, और इस वाले ईयरबड्स में कुछ ऐसे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर रखे, आपको एडिशनल सेटिंग में लो लेटेंसी वाली चीज़ देखने को मिल जाएगी, तो आप इसको एनेबल करके गेमिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को नहीं मिलते। वहीं सेकेंडरी चीज़ जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी वो है गूगल की फास्ट पेयरिंग। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इस डिवाइस को थोड़ा सा यूनिक बना सकते हैं फॉर दिस प्राइसिंग, अगर आप कॉम्पिटिशन में बात करते हैं। तो मेरे तरह से यही था इस डिवाइस का कंक्लूजन। अगर आपको ये डिवाइस इंटरेस्टिंग लगा है या कहीं ना कहीं आपके काम में आ सकता है, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। बाकी कोई सवाल हो मन में या कुछ डाउट हो तो आप बेझिझक हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बस आपका प्यार देते हुए जाना, तो वीडियो को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और उन दोस्तों के साथ शेयर जिन्होंने हमारा वीडियो या कंटेंट देखा नहीं है। बाकी मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।